नमस्कार मैं धीरेंद्र। आप सभी का स्वागत करता हूँ अवतार स्टडी में आज के टॉपिक में हमने इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कोडिंग डी कोडिंग के और इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को लिखा जाए ठीक है क्या लिख रहा है मदर्स को मदर्स को लिखा जा रहा है एस आर ई एच टी ओ एम तो उसी सांकेतिक भाषा में b r o u z t एच g h t को क्या लिखा जाएगा अब देखो ध्यान से इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो हमारा मेथड है वो क्या लग रहा है उसको मेथड को अगर हम देखें तो यहाँ से देखिए पहले क्या m और s में कोई तुलना हो रही है m और s में अगर हम देखा जाए तो m का मान तेरह होता है और s का मान कितना होता है उन्नीस तो कितना हो रहा है प्लस सिक्स हो रहा है प्लस सिक्स ठीक है ऐसे यहाँ पे देखिए हम एम का मान पंद्रह सॉरी ओ का मान पंद्रह आर का मान कितना होता है आर का मान होता है अट्ठारह तो कितना हो रहा है हो गया माइनस थ्री लेकिन यहाँ पे कितना हुआ प्लस प्लस सिक्स हुआ यहाँ पे हो रहा है माइनस थ्री आगे हम देखें तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अंतर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो फॉरवर्ड पैटर्न है हमारा वो फॉरवर्ड पैटर्न यहाँ पर कॉम नहीं कर रहा है यानी यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है कुछ और देखते हैं, हैं. तो कुछ और अगर हम देखें तो ध्यान से देखो पहले यहाँ पर एम यहाँ पर है लास्ट में यहाँ भी एम है ठीक है ओ यहाँ पे है ओ एम यहाँ भी है इसका मतलब ये है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो कैसा है वो है पोजिशन पैटर्न का अर्थात पैटर्न चेंज अर्थात पोजिशन चेंज पैटर्न का हमारा हमारा ये क्या होगा हमारा ये क्वेश्चन है इसका मतलब जो पहले वाला है उसको उठा करके लास्ट कर दे रहा है कुछ कोई भी यहाँ पे चेंजिंग नहीं हो रही है दूसरा है उसमें फिर यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे और चौथा ऐसे ठीक है यानी जो पहला है उसको लास्ट कर दे रहा है और जो लास्ट है उसको पहला कर दे रहा है इसको हम बोलते हैं पोजिशन इंटर ठीक है तो इस तरीके से यहाँ भी हम नियम लगाएंगे तो यहाँ बी कहाँ पहुँच जाएगा बी पहुंच जाएगा लास्ट में यानी पहले क्या आ जाएगा जो लास्ट में पहले आ जाएगा तो टी हो जाएगा टी एच जी यू ओ आर बी ठीक है तो करेक्ट जो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा टी एच जी यू ओ टी एच जी यू ओ आर बी ठीक है इसमें ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा जाता है देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्या लिख रहा है यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा जा रहा है आई आर टी एस आई डी एन ओ आई टी यू बी तो उसी कोड भाषा में सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखा जाएगा अब देखो ध्यान से यहाँ पे इसमें चेंजिंग क्या हो रही है जो चेंजिंग है वो कैसे और क्या हो रही है ये आप लोग ध्यान से देखिए तो यहाँ पे अगर देखें तो इसमें पोजिशन इंटरचेंज में अगर देखो तो इसको अगर नंबरिंग कर लें तब भी नंबरिंग से भी क्या हो जाएगा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा या नंबरिंग हम ना करें तो इसमें कुछ और देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या पोजिशन इंटरचेंज जो हो रहा है कैसे कर रहा है क्या वो दो दो के जोड़ों में कर रहा है या वो कुछ और ही कर रहा है या तीन तीन दिन में कर रहा है तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें देखो यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है बी यहाँ पे क्या है लास्ट में है और जो डी लिखा हुआ है और डी यहाँ पे यहाँ पे बीच में है इसका मतलब ये है कि इसमें जो हाफ है हाफ को चेंज कर दे रहा है उठा करके पोजिशन चेंज करके चेंज कर दे रहा है तो यहाँ पे डी देखो यहाँ पे डी जो यहाँ पे डी है वो कहाँ पे यहाँ पे आया और आई यहाँ पे है तो डी यहाँ पे आई यहाँ पे एस यहाँ पे है टी यहाँ पे आया आर यहाँ पहुँच गया और आई यहाँ पे तो इसमें जो आधा अक्षर अच्छा है यानी कह सकते हैं कि हाफ चेंज कर दे रहा है कितना है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ठीक है तो बारह में ठीक है इसमें हाफ हाफ चेंज कर दे रहा है तो यानी यहाँ से अगर छः छः को बांटें तो कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है तो जैसे यहाँ पे नियम लगा रहे हैं वैसे हम कहाँ लगा देंगे सबसे ट्यूशन में लगाएंगे और अपना आंसर प्राप्त करेंगे देखिए यहाँ पे कितना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर जो हैं वो कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो बारह यहाँ पे है हम तो छः छ जो छः अक्षर होंगे क्या होंगे उसको चेंज कर देंगे ठीक है तो तीन ये हो जाएगा तीन ये तो तीन यहाँ से छः हो जाएगा तो इस तरीके से इसको हम जब चेंज करेंगे ठीक है तो कितना आ जाएगा देखो पहले यहाँ आ जाएगा आई ये आई यहाँ आ जाएगा शुरुआत में फिर आएगा टी फिर आएगा एस फिर आएगा वी यू फिर एस आ जाएगा ठीक है ऐसे फिर यहाँ पे चेंज करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा एन आएगा ओ आएगा आई आएगा टी आएगा यू आएगा और टी आ जाएगा तो करेक्ट इसमें जो हो जाएगा वो क्या होगा करेक्ट इसमें होगा आई टी एस बी यू एस एन ओ आई टी यू टी तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा देखिए करेक्ट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसमें कह रहा है यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में होमोडिटी जो लिखा हुआ है एच यू एम आई डी आई टी वाई को लिखा जाता है यू एच आई एम आई डी टी वाई तो उसी कोड भाषा में पॉलिटिक्स को कैसे लिखेंगे ठीक है जो पॉलिटिक्स है उसे किस तरीके से लिखा जाएगा देखो ध्यान से यहाँ पे देखें तो इसमें जो हमारा नियम लग रहा है वो क्या लग रहा है कुछ लग रहा है या नहीं तो अगर हम दो दो का जोड़ा बनाए देखो यहाँ पे दो दो दिख रहा है अपनों कि यहाँ पे H यहाँ पे आ गया U यहाँ पे आ गया ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ M M यहाँ पे आ गया I यहाँ पे आ गया D और I देखें तो I यहाँ पे है और D यहाँ पे आ गया T और Y में देखें तो टी जो वाई है ये चेंज नहीं हो रहा है ना टी वाई जो है ये हमारा चेंज नहीं है यानी टी अपने स्थान पर है वाई भी अपने स्थान पर है लेकिन शुरुआत में जो तीन जोड़े हैं ये क्या हो रहे हैं ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं पोजिशन इंटर चेंज इसमें हो रहा है ठीक है तो ऐसे यहाँ भी हम क्या कर देंगे पॉलिटिक्स में भी ऐसा करेंगे ठीक है पहले के जो दो लास्ट होंगे दो दो जोड़े तीन जोड़े होंगे उनमें उसको चेंज कर देंगे आपस में ठीक है क्रॉस चेंज कर सकते हैं कर देंगे लेकिन जो लास्ट के दो होंगे उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी यहाँ पे क्या आ जाएगा ओ यहाँ पे आ जाएगा आई फिर एल और फिर क्या आएगा आई फिर आएगा टी फिर सी और एस तो करेक्ट इसमें जो हो जाएगा हमारा वो क्या होगा ओ पी आई एल आई टी सी एस ठीक है तो देखो ध्यान से पहले इसमें इसमें कहाँ हो रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिसका आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है ऑप्शन तो नंबर फर्स्ट यानी पी ओ पी आई एल आई टी सी एस ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट फर्स्ट इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या है क्वेश्चन नंबर फोर इसमें लिखा हुआ है यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में अगर लिखा जाए काफी लंबा है ठीक है तो इसमें कह रहा है बी आर ई ए, ए के टी एच आर ओ यू जी एच तो पूछ रहा है कि अगर इसको लिखा जाता है ई एच आर वी आर जी एच के टी तो उसी सांकेतिक भाषा में सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखा जाएगा कैसे लिखा जाएगा कैसे हम लिखेंगे अब बताइए इसका जो राइट आंसर है सभी लोग कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग कमेंट करके बताइए आप देखो ध्यान से इसमें इसमें हो क्या रहा है तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें बी और ई का देखें तो बी अगर बी यहाँ पे है तो यहाँ भी क्या है बी आर एक साथ में है ना बी आर एक साथ में यहाँ भी है ए यहाँ पे है तो ए यहाँ भी एक साथ में है उसके बाद के और टी देखें तो के और टी यहाँ लास्ट को लास्ट पहुँच गया है और क्या है साथ में तो यू और ओ और यू यहाँ भी है तो ओ और यू यहाँ है एक साथ में है फिर एच और बी ना सॉरी एच और आर यहाँ भी एक साथ में है बचा क्या जी एच जी एच यहाँ पे यानी दो दो के जो इसमें जोड़े बन रहे हैं उनका जो पोजीशन इंटरचेंज है वो कर रहा है लेकिन कैसे कर रहा है तो देखो पहले ध्यान से हाँ पे अगर नंबरिंग कर लें हम ना कुछ नंबरिंग कर रहे हैं इसको हम मान लेते हैं ये पहला इसको मान लेते हैं सेकेंड इसको मान लेते हैं थर्ड इसको मान लेते हैं फोर इसको मान लेते हैं फाइव और इसको मान लेते हैं सिक्स ठीक है अब देखो ये जो हम माने थे इसको क्या था ये ये था सेकेंड सेकेंड वाला पहले आ गया है यू और ओ ओ और यू कितना था फाइव फाइव यहाँ पे आ गया एच और आर क्या था फोरथ फोर यहाँ पे है बी और आर नंबर एक ठीक है एच और जी सिक्स और के और टी जो था वो क्या है थर्ड तो जैसे यहाँ पे हम चेंजिंग हो रही है वैसे यहाँ भी हम चेंजिंग कर लेंगे ऐसे ही यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करके अपना आंसर प्राप्त करेंगे दो दो करके जो नंबरिंग करेंगे उस नंबरिंग के आधार पर हम यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा सिक्स देखो पहले क्या था पहले दूसरा था इसका मतलब क्या आएगा बी एस और आपको दिख रहा हो कि दूसरे में बी एस केवल एक ही ऑप्शन में है एक ही ऑप्शन मतलब कौन ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर केवल बी एस ऑप्शन नंबर पहले ही है इसका मतलब पहला करेक्ट आंसर होगा इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लंबा सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा और टाइम लगेगा तो आपके अन्यक्शन भी आपको देखना होता है एग्जाम में तो इसको हम ऑप्शन एकदम विद इन सेकेंड आराम से कर सकते हैं तो पहला हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें